केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो किसी भेदभाव के बिना हर राज्य को विकास के लिए बल देने के लिए हो सके उतना प्रयास करती है। लेकिन आप अगर गंगा जी में जाएं और इतनी छोटा सा बर्तन लेकर के जाएंगे तो गंगा जल उतना आएगा, और बड़ा बर्तन लेके जाएंगे तो ज्यादा गंगा जल आएगा। ये छोटे मन के लोग कर्नाटक में बैठे हैं, उनको कर्नाटक के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ 1.5 फुट की अपनी कुर्सी की चिंता है। ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के कर्नाटक की इनको चिंता नहीं है भाई। मैंने बेंगलुरु में कहा था कि ये 10% कमीशन का कारोबार है, 10%। तो मुझे सब लोग मेरे पे नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और बड़ी नाराजगी व्यक्त की, और उनका गुस्सा बहुत था। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जानकारी सही नहीं है, ये 10% नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको अब कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चाहिए कि मिशन वाली सरकार चाहिए? कमीशन की मिशन? मैं आपको वादा करने आया हूं, और मैं इस बात को खुद देखूंगा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो एक मिशन के तहत काम करेगी, कर्नाटक के भाग्य को बदल के लिए काम करेगी, कर्नाटक के विकास के लिए काम करेगी।